Okay, gentlemen, the photographer, I request you all to kindly come back to your seat. Yes. मई सन 1658 खाना जंगी के सबब अजीमुशान मुगल सल्तनत का सुनहरा दौर आज तबाही की जद में आ गया है। आगरा से 3 कोस दूर पूरब में समोगढ़ के मकाम पर शहनशाह शाहजहां के बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब के दरमियान एक खूनी जंग जारी है। औरंगजेब बजोर शमशीर तख्त ताज छीन लेने पर तुला है, जबकि तख्त शाही का जायज वारिस दारा शिकोह इस पेशा बगावत का बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। इधर आगरा के किलाए शाही में बेबस और फिक्रमंद शाहजहां जंग के अंजाम का बेचैनी से मुंतजर है। बाबा जान, दारा शिकोह को शिकस्त हो चुकी है। औरंगजेब की फौजें तेजी से किले की तरफ बढ़ रही है। बेहतर होगा कि हम यहां से फौरन फरार हो जाएं। फरार किससे? अपने औलाद से? वो भी तो हमारा खून है। और फरार हो तो हम जाएंगे कहां? हमारा सब कुछ तो यही है। शहंशाह के सिवा हम क्या हो सकते हैं? क्या हम अपने सिवा और भी कुछ हो सकते हैं? कुछ सोचने का वक्त नहीं रहा बाबा जान। ले लाई कैद कर लिए जाएंगे। हमारा ही बेटा हमें कैद करेगा? क्या वो इस हद तक गुस्ताख हो सकता है? नारा हमारा सब कुछ तबाह हो गया है। अगर ये है खुदा की मर्जी तो हमें कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, तुम उसके पास जाओ और हमारी ये शीर आलमगीर उसके कदमों में रखो और कहो कि हम हिंदुस्तान का तंदुरुस्त उसे सौंप देते। बाबा जान के हुक्म के तामील में औरंगजेब की ये बड़ी बहन उसके दर बहरा जाएगी। पत्थर के कलीजे में आंसुओं के आंसू पिघल जाने वाला कुछ वो शायद
now like to introduce you to the members of this royal family. You will have before you the Empress Noor Jahan. Mom, please take your position on the stage. And I now present before you Emperor Jahangir. And I now present before you Lalili Begum. And I now present you Moinuddin Aurangzeb. And this evening, I am revealing to you the artists who are portraying the respective roles. Mr. Kabir Bedi does not need an introduction, who is playing Emperor Shah Jahan. The role of the mighty Empress Noor Jahan is being portrayed by Pooja Patra. The role of the mighty Emperor Jahangir is being portrayed by Arbaz Ali. The role of Lalili Begum is being portrayed by Kim Sharma. And the role of Aurangzeb is being portrayed by Arbaz Khan. And the finale, I would request Manisha Kolala to kindly come on the stage, who is portraying as Princess Jahanara. ये सवाल आप अकबर खान साहब से पूछिए तो वो शायद बता सकें कि मुझे क्यों चुना, लेकिन मेरी तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, वेरी इम्पोर्टेंट रोल, और शाहजहां का रोल ऐसा है जो हर एक्टर चाहता है कि उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि दुनिया भर में लोग हिंदुस्तान के बारे में जब सोचते हैं सिर्फ गरीबों के बारे में नहीं सोचते, ताजमहल के बारे में सोचते हैं, तो ये एक सिंबल है ऑफ लव ऑफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, और ये रोल मैं बहुत बरसों से करना चाह रहा था। दरअसल में अगर आप गौर से सुनते तो लाल किले में जो कमेंट्रीज चलती रहती थी उसमें शाहजहां की आवाज मेरी थी, तो ये रोल एक ऐसा रोल है जो मैं सोचता रहा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बनाएगा ऐसी पिक्चर कि नहीं बनाएगा। और जब मैंने तुगलक का रोल किया था गिरीश कर्नाड के प्ले में, तो उस वक्त से एक हिस्टोरिकल रोल प्ले करने का चस्का था। मैं चाहता था कि ऐसा किरदार निभाऊं जो लोगों को याद रहे और जो एक ऐसी पिक्चर बने जो कहीं ना कहीं हमारे पुराने जमाने की जो ग्लोरी है वो फिर से वापस ले आए। मनीषा जी, इस फिल्म का रोल कैसा लगा? जैसे कि हमें ज़्यादा और कुछ भी मिलता है, इट्स बेसिकली अकबर जी जस्ट आस्क्ड मी दैट ही वाज कीन टू कास्ट मी इन हिज फिल्म एंड सो आई सेड फाइन देन व्हाट इट वाज एंड वी जस्ट हैड द नरेशंस एंड स्टफ लाइक दैट एंड सीइंग द काइंड ऑफ एनर्जी ही हैड ऑलरेडी पुट इन एंड द काइंड ऑफ यू नो रिसर्च वर्क ही हैड डन एंड द काइंड ऑफ एक्साइटेड ही वाज एंड यू नो एंड ऑफ कोर्स
You know, when we talk about Taj Mahal, we talk only about the love story. We forget, you know, how devastating the family has fell apart, you know. What had happened when, you know, the mother died, how sons started killing each other, and, you know, our brothers were killing each other and stuff like that. So it is a very, you know, unnerving story, which starts with a love story, but ends with the pain and pathos and a lonely father and a daughter who's observing how father has been broken down, you know. So that's it, sir. अपने कैरेक्टर पे थोड़ा और गौर कीजिए। ये कैरेक्टर जहान आरा का है और ये है कि वो थ्रू आउट अपने फादर के साथ रही और उसने ना शादी किया ना अपना सब कुछ, शी सैक्रिफाइस्ड एंड शी वॉज थ्रू आउट विद हर फादर, शी सॉ द काइंड ऑफ ब्रोकन मैन ही हैड बिकम बिकॉज हिज सन्स हैड बीन फाइटिंग एंड स्पेशली हिज सन औरंगजेब and how they were, you know, imprisoned within their palace only. And it's a character who's, you know, who has bonded very deeply with her father, and it's extremely painful to her to see her father breaking down. And, you know, so this is Jahan Ara, who sacrificed everything, her life, for her father. Yeah. Akbar bhai ne mujhe contact kiya through somebody, बिकॉज औरंगजेब का रोल था एंड ही वॉन्टेड समबडी लाइक एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी. उन्होंने ही कॉन्टेक्टेड मी, फिर मैंने कहानी सुनी एंड मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा एंड अच्छा हुआ ओके. जो हिस्ट्री में औरंगजेब का जो कैरेक्टर है ऑलमोस्ट वैसे ही हम लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, इसमें कोई वी आर पोर्ट्रेइंग हिस्ट्री. सो जो द कैरेक्टर दैट इज देयर इन History is exactly like whatever is there. Realistic hai, authentic hai. So, jo Aurangzeb ka character tha, with a certain amount of insight into his life, matlab jis Aurangzeb thoda sa misinterpreted bhi hai, uske, he was an idealistic person, he was a very strong-headed person, he had very strong views, and then usko execute karne mein wo kabhi kabhi wo logon ko used to like टेक एनी स्टेप्स टू डू दैट. जो उसको चाहिए था उसे वो हासिल करके ही रहता था. तो उस वजह से उसने बहुत लोगों को मतलब किल किया था, अपसेट किया था एंड यू नो. तो ही इज़ नॉट अ वेरी लाइक्ड पर्सन इन द मॉरल एंड सोशल सेंस, बट ही वॉज अ वेरी सिंगल माइंडेड पर्सन एंड उसको मालूम था उसे क्या करना था एंड ही फॉलोड हिज बिलीफ. जी, मैं इस फिल्म में नूरजहां का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड That's what I'm playing. Akbar ji, you met him, how are you together? Akbar ji ने मेरे को फ़ोन किया था और उन्होंने बोला था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. तो I met him on 2-3 occasions where he told me I want you to play this role but I don't know how you look and he was, you know, like makeup Indian. He saw 2-3 films of mine. And then he called me on the second and he signed me for the film. जी, नूरजहाँ का जो character है is a very strong personality lady and she was a very scheming she was a scheming ruler. She was like not very soft. She was a little hard. She got a lot of people killed. वो थोड़ी गुस्सा, थोड़ी strict, थोड़ी जिसे कहते हैं ना बड़े गुस्से वाली और स्ट्रिक्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेडी थी. एंड देयर वर मेनी थिंग्स दैट शी स्टार्टेड लाइक फैशन में उन्होंने पान लाया, उन्होंने रोज वाटर डिस्कवर किया. सो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो. शी वॉज नॉट अ शी वॉज अ लिटिल कनाई, लिटिल नेगेटिव पर्सन, बट शी वॉज वेरी स्मार्ट, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. She wanted to rule and she wanted to rule in a very nice manner. She was a perfect ruler. So this is what I know of Noorjahan. And keeping her character in mind, I think this film is going to be the way Noorjahan has been. I don't think they are going to change the characters of jaise jo log hain, jaise Aurangzeb mostly wahi play karenge jo jaise the. और नूरजहाँ, मुमताज, कीपिंग एवरी कैरेक्टर इन माइंड इज हाउ द फिल्म इज गोइंग टू बी मेड.
Well, actually, Akbar was looking for a character, for a person for this character, and Anna Singh suggested my name to her. So I went over to the office and met Akbar, and that's it. I just got it. My character's name is Ladli Begum. She is Noor Jahan's daughter. She's Noor Jahan's only daughter. She is supposed to marry Shah Jahan. She is the strongest contender for queen at that point in time. But because of the circumstances being that Shah Jahan is already in love with Mumtaz Mahal, she never actually marries him. And basically, she's very young. She's very much in love with Shah Jahan. She completely adores him, can't see beyond him, and very desperately wants to marry him. And that is her character.